एरिया में पिछले 2-3 महीने से महंगी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स चोरी के, वाहन चोरी के, इसके अलावा मोबाइल लैपटॉप चोरी के गुने सामने आए थे। इनमें डाइगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री मालेकर साहब और उनकी टीम, एपीआई सरफरे, पीएसआई राठौड़ और सर टीबी की टीम, इन्होंने बहुत अच्छा डिटेक्शन किया है। जून महीने में खरड़ी गांव में एक गैरेज था, वहाँ पे मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए आती थी। तो उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, हेडलाइट्स, जैसे वो गाड़ी को रिपेयर करने के लिए जो मशीन्स लगते हैं, वो मशीन्स इनकी चोरी सामने आई थी। वो गुना रजिस्टर हुआ था। 2 दिन में टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने सैफ अली यूसुफ अली सैयद, ये आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 15 लाख में से 13.5 लाख का मुद्देमाल जो है वो रिकवर किया है। इसके अलावा एक डंपर चोरी की घटना डाइगर पुलिस स्टेशन के एरिया में घटी थी, उसका भी आरोपी फिरोज शमीम खान, इसको अरेस्ट करके उसके पास से 20 लाख का डंपर जो है वो रिकवर किया है। इसके अलावा और 9 आरोपी को अरेस्ट करके उनमें उनके पास से 20 बड़े मोबाइल्स, एक लैपटॉप, एक टैबलेट और कुछ सोने के गहने रिकवर करने में डाइगर पुलिस को यश मिला है। ऐसा पूरा टोटल अराउंड 36 लाख का मुद्देमाल डाइगर पुलिस स्टेशन ने जब्त किया है। सर, इसमें एक रिसीवर हमको मिला है रहमान कुरैशी करके, उसको अरेस्ट कर लिया है। और इसमें मुख्य आरोपी के साथ में और किसने सहायता की, इसके बारे में और तपास चल रहा अब है। ये गैरेज चलाने वाला नहीं है, ये चोरी करने वाला जो है वो बाहर का आदमी है, गैरेज तो किसी दूसरे का। क्रिमिनल सर उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं हम, और अगर रहेगा तो उसके ऊपर और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे।